ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें ये फैसला होना है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना रहेगा या नहीं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने समय से पहले चुनाव करने का ऐलान किया था, क्योंकि उनके यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के समझौते पर उनकी पार्टी में भी विवाद है। बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का सबसे विवादास्पद प्रधानमंत्री कहने में किसी को संकोच नहीं होता। कंजर्वेटिव पार्टी के उनके साथी भी उनके फैसलों पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में वो विपक्षी लेबर पार्टी पर लगातार तकरीबन 10 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है, ब्रेक्सिट पार्टी और स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन कम होता गया और दोनों मुख्य दल लेबर और कंजर्वेटिव दलों का समर्थन बढ़ता गया। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के मुद्दे पर ब्रिटेन में राजनीति बटी हुई है, लेकिन अब मतदाता स्वास्थ्य सेवा और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी जोर दे रहे हैं। पिछले 4 साल में ये ब्रिटेन में तीसरा चुनाव है। इससे पहले तेरेसा मे ने समय से पहले 2017 में चुनाव करवाया था, जिसका फायदा कंजर्वेटिव पार्टी को हुआ था और 2017 में उसे गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन में हुए जनमत संग्रह ने देश की राजनीति में उथल पुथल पैदा कर दी है। जनमत संग्रह के दौरान सभी चुनावी सर्वेक्षण फेल हो गए थे। देखना यह है कि ब्रिटिश लोग अब किसका समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।